नेक्स्ट फाइलम जो है हमारा बेटा वो क्या है? नेक्स्ट फाइलम है हमारा कॉर्डेटा। कॉर्ड मीन्स मालूम है रॉड, और एटा मीन्स बियर, मीन्स जिनमें रॉड बियरिंग हो। और रॉड क्या? नोटोकॉर्ड। नेक्स्ट डिफिनेशन की बात करते हैं, तो क्या है? जितने भी कॉर्डेटा ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे हैं? बायलैटरल हैं एंड ड्यूटेरोस्टोमियल हैं, यूसलोमेट्स हैं। नेक्स्ट यूमेटाजोआ है, बेसिकली पॉसिंग इन द एम्ब्रियो ऑन द थ्रू एम्ब्रियो और थ्रू आउट लाइफ आ फ्लेक्सिबल बट फ्रेम एंड सपोर्टिंग स्केलेटल रॉड कॉल्ड नोटोकॉर्ड। मीन्स ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जिन ऑर्गेनिज्म में एक रॉड यानी कहा जाए नोटोकॉर्ड अगर बियरिंग है, मोस्टली कह सकते हैं क्या, चाहे वो एम्ब्रियो में हो चाहे वो होल उनकी लाइफ में हो। मीन्स जैसे वर्टिब्रेटा हैं उनमें केवल एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड होती है, बाकी अदर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें होल लाइफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, चाहे वो जीवन की किसी एक स्टेज में प्रेजेंट हो, लाइफ के किसी एक स्टेज में प्रेजेंट हो, चाहे वो होल लाइफ में प्रेजेंट हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उन्हें बोलेंगे कॉर्डेटा। मीन्स द बेयरिंग ऑफ नोटोकॉर्ड। अगर नोटोकॉर्ड है प्रेजेंट तो वो कॉर्डेटा है, और अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है तो कॉर्डेटा नहीं है। नेक्स्ट अबाउट 55,000 एग्जिस्टिंग एंड 25,000 एक्सटेंट कॉर्डेट स्पीसीज नोन। मीन्स अभी तक 55,000 जो कहा जाए एग्जिस्टिंग और 25,000 एक्सटेंट कॉर्डेट स्पीसीज को नोन किया गया, खोजा गया है। नेक्स्ट कॉर्डेट्स आर शार्पली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन कॉर्डेट्स। अब आपको मालूम है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन ऑर्गेनिज्म को कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा पे बांटा गया है। तो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में मेन डिफरेंस क्या है? तो आपको बताएं, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में तीन फंडामेंटल डायग्नोस्टिक करेक्टर्स होते हैं, जिस बेसिस पे हम लोग कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा को डिफर कराते हैं। ये कौन कौन से हैं हमारे करेक्टरिस्टिक? पहला है नोटोकॉर्ड, नंबर दूसरा है डॉर्सल टूबुलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और तीसरा है फ्रंजियल गिल क्लैप्ट। मीन्स इन्हीं तीन बेसिस पे जितने कॉर्डेटा होंगे उन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड बियर होगा, डॉर्सल टूबुलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा एंड फ्रंजियल गिल क्लैप्ट होंगे, जबकि नॉन कॉर्डेटा में ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। इसी बेसिस के आधार पर कॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेटा से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट आइए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। तो जो हमारा कॉर्डेटा फाइलम है उसको तीन सब फाइलमों में बांटा गया है, जिसमें पहला है यूरोकॉर्डेटा और टूनिकेटा। मींस चाहे हम इसे यूरोकॉर्डेटा बोलें और चाहे हम इसे बोलें टूनिकेटा। यूरो मींस टेल होती है यानी पूंछ होती है, और कॉर्ड मींस रॉड, और एटा मींस बियर। मींस ऐसे कॉर्डेटा जिनमें नोटोकॉर्ड केवल टेल रीजन में ही पाई जाती है, टेल रीजन में ही प्रेजेंट होती है, उन्हें हम बोलते हैं क्या? उन्हें हम बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा की तीन क्लासें हैं। पहला है लर्वेसिया, जिसका एग्जांपल ओक्यूप्लूरा है। दूसरा है हमारा एसिडिसिया, जिसका एग्जांपल हमारा एसिडिया है। और तीसरा है थेरेसिया, जिसका एग्जांपल हमारा पाइरोसोमा है। नेक्स्ट दूसरी क्लास जो है हमारी सिफेलोकॉर्डेटा, यानी दूसरा फाइलम सब फाइलम जो है हमारा वो क्या है? सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलो मीन्स जानते हैं हेड, मतलब जिन ऑर्गेनिज्म में हेड से लेकर टेल रीजन तक, जिन ऑर्गेनिज्म में हेड से लेकर टेल रीजन तक अगर नोटोकॉर्ड बियर होती है, अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, तो हम उन्हें रखते हैं किसमें? हम उन्हें रखते हैं सिफेलोकॉर्डेटा में। नेक्स्ट है हमारा वर्टिब्रेटा और क्रेनिटा। अब वर्टिब्रेटा और क्रेनिटिया में क्या है? वर्टिब्रेट मीन्स याद रखिएगा ऐसे सभी कार्डेट जिनमें नोटोकॉर्ड, ऐसे सभी कार्डेट जिनमें नोटोकॉर्ड केवल और केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पाई जाती है,
या जिनमें नोटोकार्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, उन्हें हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा। यानी इनमें होल लाइफ में नोटोकार्ड नहीं है, बट इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनमें नोटोकार्ड बियर होगी, इसलिए इन्हें बोलेंगे क्या, वर्टिब्रेटा बोलेंगे। इसीलिए क्वेश्चन आता है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट्स बट ऑल कार्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेट बिकॉज जिनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही नोटोकार्ड बियर होगी वही केवल वर्टिब्रेटा में रखे जाएंगे, और जिनमें होल लाइफ होगी वो वर्टिब्रेटा में रखे नहीं जाएंगे। इसीलिए सारे वर्टिब्रेटा कार्डेटा हैं, लेकिन सारे कार्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं है। नेक्स्ट, हमारा जो वर्टिब्रेटा है सफाइलम, उसको दो ग्रुप में बांटा गया है, एक है एग्नेंथा और दूसरा हमारा गैंथोस्टोमेटा। अब एक एग्नेंथा है हमारा और एक है हमारा गैंथोस्टोमेटा। अब एग्नेंथा जो है उसको ऑस्ट्रिकोडर्मी यानी सिफेलोप्सिस और साइक्लोस्टोमेटा दो क्लासों में बांटा गया है। मींस ये कितने में बटा हुआ है, ये दो क्लासों में बटा है। इसमें हमारे क्या रखे गए हैं, इसमें हमारे ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं एग्नेंथोस्टोमेटा, गैंथोस्टोमेटा जो है उसको दो सुपर क्लास में बांटा गया है। पहला है फिसिस, यानी जिसमें सारी फिसिस को रखा गया है। इनकी क्लास क्या है, एक है प्लेकोडर्मी, दूसरी है कॉन्ड्रियोसाइथस और तीसरी है ऑस्टियोसाइथिस, जिसमें एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इनकी क्लास है वो है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा जो क्लास है वो सुपर क्लास है और उसकी चार क्लासें हैं। पहला है एम्फीबिया, जिसमें राना टिग्रीना दिया है। सभी जानते हैं कि राना टिग्रीना किसका जूलॉजिकल नेम है, मेंढक यानी फ्रॉग का। दूसरा है रेप्टेलिया, रेप्टेलिया में स्नेक्स मैंने एग्जांपल में दिए हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो रेप्टेलिया है यानी रेंग कर चलने वाले। एम्फीबियंस क्या हैं, एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो टेरेस्ट्रियल भी हैं और एक्वाटिक भी हैं, यानी जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, हम इन्हें बोलते हैं हमारे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो दोनों जगह पर रह लें, जल में भी रह लें और स्थल में भी रह लें, यानी एक्वाटिक भी हों और टेरेस्ट्रियल भी हों, ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं एम्फीबियंस। क्लियर। नेक्स्ट रेप्टेलिया, रेप्टेलिया हमें मालूम है कैसे ऑर्गेनिज्म जो रोइंग के चलते हैं, ऐसे रिंग के चलने वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग किस फाइलम में रखते हैं, हम उन्हें रखते हैं किस क्लास में रखते हैं, हम उन्हें रखते हैं रेप्टेलिया क्लास में। नेक्स्ट हमारी क्लास है एवीस। एवीस में आप सबको मालूम है कि एवीस में ऑल बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं उन बर्ड्स को क्लास में रखा गया है एवीस में। और लास्ट है हमारा मैमेलिया। मैमेलिया में होमो सैम्पियंस, सैम्पियंस यानी ह्यूमन आता है। कौन आता है, ह्यूमन, ह्यूमन आते हैं या अदर ऑर्गेनिज्म भी हमारे मैमेलिया क्लास में आते हैं।